हाफ इंच का ये कॉइन रहेगा। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग हम देखते हैं, इसके सामने गुजारते हैं कितने दूर से इसे साउंड कर रहा है। बिल्कुल फिटिश सा मशीन आती है इसके साथ, इसकी ये कैटलॉग है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए एम डी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज जिस न्यू मशीन का इंट्रोडक्शन आपको करवा रहे हैं, उसका मॉडल है MD3500। ये मशीन उन लोगों के लिए जिनका बजट 20,000 से 30,000 रुपये के दरमियान का आएगा और वो चाहते हैं सस्ती मशीन ऐसी मिल जाए जिससे तकरीबन सारे काम हो जाएं और डिजिटल भी हो, तो उनके लिए आइडियल मशीन हैगी MD3500। आज इसे अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको इसकी रेंज चेक करवाएंगे कि कितने ज़्यादा डीप के अंदर ये काम करती हैगी और किस साइज से वर्किंग करते हैं। इसके साथ आपको मिलती है 8 इंच की ये स्विच कॉइल और ये डिजिटल स्क्रीन के साथ ये मशीन हैगी जिसमें फेरिस नॉन फेरिस सब चीज़ आपको बताती है। डिजिटल टच स्क्रीन इसके साथ आप देख रहे हैंगे, इंतहाई इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर ही है और MD पाकिस्तान से आप हासिल कर सकते हैंगे। ये मशीन आपके सामने ये मौजूद हैगी। इस वीडियो के अंदर 2 मराइल के अंदर है जिसके नाम आपको दिखाएंगे, इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैंगी, क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ मौजूद हैं और सेकंड इसकी रेंज कितनी है ये आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो इसे अनबॉक्सिंग करते हैं MD3500 को और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या सामान मिलता है घर। और इसी वीडियो में आगे चलकर आप देखेंगे जनाब इसकी रेंज कितनी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल फिटिश सा मशीन आती है, इसके साथ इसकी ये कैटलॉग है कि इंग्लिश यूजर मैनुअल हैगा, ये लार्ज साइज का इसका स्क्रीन हैगा, डिजिटल मशीन आपको मिलती है कि इसकी 8 इंच की कॉइल हैगी, वाटर रेजिस्टेंस कॉइल 8 इंच की, तीन पार्ट्स पे अवेलेबल है। अभी देखें ये ऊपर की तरफ ये लगा हुआ है, नीचे इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, LCD स्क्रीन है, LCD स्क्रीन इसके साथ रहेगी और एक टच स्क्रीन है, इसी में 9 वोल्ट और 2 बैटरीज लगती हैंगी और थर्ड इसकी कॉइल हैगी। ये तीनों चीज़ें इस बॉक्स में आती हैं। अब चलते हैं जनाब इसकी रेंज चेक करते हैं, चेक करेंगे जनाब ये कितने रेंज में काम करता है। या देख रहे होंगे ये मशीन हमने ऑन करते हैं, यहाँ रख दी है, ये मशीन हमने फिट किया है यहाँ पर और ये टेबल के ऊपर इंची टेप है ये लगा दिया है। जैसे आपको बताया था अभी कि जितनी बड़ी चीज़ होगी उतनी रेंज ज़्यादा होती है, जितनी छोटी चीज़ होती है उतनी रेंज कम होती है। ये एक छोटा सा कॉइन है और आप देखेंगे उंगली के ऊपर ये रखा है तो 1 इंच का भी नहीं, 1/2 इंच का ये कॉइन है। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग हम देखते हैं, इसके सामने गुजारते हैं कितने दूर से इसे साउंड कर रहा है। ये तरह 8 इंच के करीब, 8 इंच पर रख दें इसे, ये आप देखेंगे 7 इंच से ज़्यादा और 8 इंच से पहले तकरीबन कर रहा था। ये छोटा सा कॉइन है जो 1/2 इंच का आएगा और इसको 8 इंच से पकड़ लाएगा। इसके अलावा जितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ये छोटा सा एक आप देख रहे होंगे प्याली सी है कि इसका साइज़ लेगा क्या आएगा, लगभग 3 से 4 इंच के दरमियान इसका साइज़ रहेगा। अभी ये आप देखेंगे 4 इंच से कम है और 3.5 इंच से ज़्यादा आएगा। इसे देखते हैं कि जनाब ये कितने दूर से इसे पकड़ लाएगा। ये तकरीबन 16-17 के करीब इसे स्ट्रेचिंग में इसे साउंड आ रहा है आपके सामने, तो इसे 16-17 के दरमियान, ये 16-17 के दरमियान इसे रख दिया है। ये तकरीबन 4 इंच से थोड़ा सा कम था साइज़ और आप इसे देख रहे हैं तकरीबन 16-17 इंच के दरमियान में इसे सर्च कर रहा है। अब इसे थोड़ा सा बड़े साइज़ का हम लेंगे, ये प्लेट है कि हमारे पास इसका साइज़ नापेगा क्या आएगा, इसका जो साइज़ हैगा परफेक्ट 9 इंच है और इसमें आप देख रहेंगे कहाँ तक इसे सर्च करता है। 9 इंच के करीब इसका साइज है, हम देखेंगे जनाब कहाँ से कहाँ तक इसे डिटेक्ट कर रहा है। 22 इंच और
नहीं टेबल के अंदर ही यहाँ यहाँ तक कर रहा है मैक्सिमम जो देखें और थोड़ा करीब लाइए, यहाँ पर सर्च कर रहा है, यहाँ पर क्या आएगा तकरीबन 25 इंच 25-26 इंच पर यह सर्च कर रहा है, 2 फीट से ज़्यादा हो जाता है, 2 फीट 1 इंच हो जाता है, 24 आपको बताया 2 फीट बनता है। और जबकि इस प्लेट का जो साइज़ हैगा वो 9 इंच हैगा। सपोज़ करें अगर कोई 1 फीट की कोई चीज़ है, जैसे अभी हमने देखा जनाब सबसे पहले क्वाइन पर किया हमने 8 इंच पर सर्च किया, इसके अलावा फिर हमने इस पर देखा जनाब जो 4 इंच से थोड़ा सा कम था कि 15-16 के करीब इसकी रीडिंग आ रही थी इंचिस में, फिर 9 इंच की हमने चीज़ एक ली जी प्लेट ली और इस पर तकरीबन हमने देखा 25-26 इंच के करीब इसे ले रहा है 2 फीट से ज़्यादा। अगर सपोज़ करें इसी तरह कि भाई हमारे पास प्लेट इसका साइज़ 1 फीट हो तो डेफिनेटली 2.5-3 फीट पर पकड़ेगा। तो ये जो मशीन है ये प्रैक्टिकली हमने इसे परफॉर्म जो करके अभी देखा है उससे हमें ये समझ आता है मिनिमम जो अगर छोटे साइज की कोई चीज़ हो तो उसको तकरीबन 7-8 इंच पर ये डिटेक्ट कर लेता है, अगर कोई चीज़ जिसका साइज़ 4 इंच हो तो तकरीबन 1.5 फीट के करीब चला जाता है, और अगर किसी चीज़ का साइज़ 9 इंच ज़मीन के अंदर हो तो 2 फीट तक बासानी से डिटेक्ट कर लेता हैगा। जबकि बिल्कुल ये लो गेज की चीज़ें नहीं है, अगर कोई भारी भरकम चीज़ हो वजन वाली चीज़ हो तो और ज़्यादा दूर से भी डिटेक्ट करेगा। तो मशीन उन लोगों के लिए आइडियल है जो तकरीबन ज़मीन के अंदर 8 इंच से लेकर 2-2.5 फीट तक सर्च करना चाह रहे हैं, इनका इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है। और इससे बड़ी चीज़ अगर ज़मीन के अंदर कोई दफन होगी तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा भी ये डिटेक्ट करेगी। इस मशीन में खूबी और भी है, ये आपको बता देती है ज़मीन के अंदर जो चीज़ दफन हैगी वो सोना है चांदी है लोहा है, ये भी इसका स्क्रीन में बता देता है। तो ये वीडियो जो थी इसी अनबॉक्सिंग हमने करना तो आपको दिखाना था इसकी रेंज क्या आएगी, अगर इस मशीन में इंटरेस्टेड हैं किस तरह चलाते हैं और डिजिटल मशीन का एक एडवांटेज देखना चाह रहे हैं तो ऊपर जो आई का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेकंड वीडियो आ जाएगी आपके पास जिसमें हमने इसे चलाने का तरीकेकार पूरी वीडियो बनाकर डालिएगी। और इस मशीन में आप इंटरेस्टेड हो अगर बैठे इसे मंगवाना चाह रहे हैं हमारे ऑफिस से खरीदना चाह रहे हैं तो हमारा जो ऑफिस का नंबर रहेगा 0334077866 इसे ऑफिस टाइम में रब्ता कर सकते हैं और घर बैठे इस मशीन को मंगवा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।